इस वीडियो में हम देखेंगे न्यूमेरिकल नंबर 1.9 कुछ इस तरह से है कि शो दैट द फेमस आइंस्टाइन इक्वेशन दैट इज ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर इज डायमेंशनली कंसिस्टेंट यानी डायमेंशंस के एतबार से ये इक्वेशन बिल्कुल एक्यूरेट है। तो न्यूमेरिकल नंबर हो गया अल्लाह भला करे आपका 1.9, इसको हम सॉल्व करने लगे हैं। गिवन इक्वेशन क्या है, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, इसको हम एनर्जी मास इक्वेशन कहते हैं। अच्छा जी, राइटिंग दिस इक्वेशन डायमेंशनली, तो ये क्या बनेगा, E का डायमेंशन, मास का डायमेंशन और फिर C का डायमेंशन और ऊपर स्क्वेयर। E इज एनर्जी और एनर्जी का डायमेंशन होता है एम एल स्क्वेयर टी माइनस टू। इसी तरह जो मास है उसका डायमेंशन होता है कैपिटल M और जो स्पीड है उसका डायमेंशन होता है एल टी माइनस वन ऊपर गया स्क्वायर। अच्छा अब ये एम एज इट इज़, इसका स्क्वायर जब दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो एल स्क्वायर टी माइनस वन, जब टू से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टू, और फिर जब आप इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये बनेगा एम, फिर ये एल स्क्वायर और टी माइनस टू। अच्छा अब लेफ्ट साइड पर भी यही है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, तो इस तरह हमने लिखा जी डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। तो इस तरह हम ये कहेंगे द गिवन इक्वेशन इज द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, या इसको हम कंसिस्टेंट भी कह सकते। दैट्स इट, चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ।